नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। अब तो कनाडा में हद ही हो गई है। हद क्यों हो गई है ये जानने के लिए सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। पाकिस्तान, दिस इज आवर कंट्री, यू आर फ्रॉम यूरोप, वी आर ओनर ऑफ दिस कंट्री, गो बैक टू यूरोप, गो बैक टू इंग्लैंड, डिपोर्ट आवर इंग्लैंड पीपल, यू गो बैक टू यूरोप, यू आर नॉट कनेडियन, वी आर कनेडियन। This is our country. You are invaders. We are native Indian. You go back. देखा आपने कैसे इन खालिस्तानी लोगों ने हद पार कर दी है। हाल ही में कनाडा के सरी ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी समर्थकों के एक समूह ने हम कनाडा के मालिक हैं और गोरे लोग यूरोप वापस जाएं जैसे भड़काऊ नारे लगाए। इस प्रदर्शन के दौरान खालिस्तानी समर्थकों ने खुले तौर पर अपनी विचारधारा का प्रचार किया। इस नफरत भरे संदेश ने स्थानीय नागरिकों और विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। इस बयानबाजी से स्थानीय समुदायों, खासकर भारतीय और हिंदू समूहों में गुस्सा और डर फैला दिया है, जो हाल ही में हुई झड़पों से पहले ही चिंतित हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की गंदी राजनीति के चलते। ट्रूडो ही खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे हैं, उनके नैरेटिव पर चल रहे हैं, बाकी धर्मों के लोगों को अपमानित कर रहे हैं, उनके अधिकार छीन रहे हैं और अब खालिस्तानियों ने वहाँ के निवासियों को ही प्रवासी बता दिया है और ट्रूडो अपनी कुर्सी बचाने के लिए इनका साथ दे रहे हैं और चुपचाप ये सब हो रहा है। आपको बता दें कि इसी प्रकार का एक और विवाद 17 नवंबर को आयोजित होने वाले भारतीय कॉन्सुलेट के एक कार्यक्रम के रद्द होने के बाद सामने आया था। ओंटारियो के ब्रैम्पटन त्रिवेणी मंदिर ने भारतीय कॉन्सुलेट द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को रद्द कर दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय पेंशनरों की सेवा करना था, लेकिन मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा चिंताओं के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया। मंदिर अधिकारियों ने कहा कि पील रीजनल पुलिस की चेतावनी और सुरक्षा खतरों के कारण श्रद्धालुओं और समुदाय के अन्य सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। इस स्थिति ने ये दिखा दिया कि कनाडा में हिंदू मंदिरों में भी अब सुरक्षित महसूस करना एक चुनौती बन चुका है। मंदिर अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि ब्रैम्पटन त्रिवेणी मंदिर के श्रद्धालुओं, समुदाय के पर्यटकों और आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमें कार्यक्रम को रद्द करने का उचित निर्णय लेना पड़ा। इसमें कहा गया कि हमें इस बात का बहुत दुख है कि अब कनाडा में हिंदू मंदिरों में जाना असुरक्षित महसूस हो रहा है और अगर हम पुलिस को इस बारे में बताते हैं तो पुलिस हमसे एक सप्ताह तक रिश्वत मांगती है। इन मामलों के बाद सवाल अब उठते हैं ट्रूडो सरकार पर। आखिरकार ट्रूडो ये सब करके क्या साबित करना चाहते हैं? वैसे जो भी वो साबित करना चाहते हों, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रूडो अपनी गंदी राजनीति के चलते आलोचना का पात्र बन रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की गंदी राजनीति की आलोचना की जा रही है क्योंकि वो खालिस्तानी समर्थकों के प्रति नरम रुख अपनाते दिखाई दे रहे हैं। ट्रूडो की सरकार ने खालिस्तानियों के विरोध प्रदर्शनों के प्रति लचीलापन दिखाया है और उनके नैरेटिव को स्वीकार करने का प्रयास किया है। इसके परिणाम स्वरूप कनाडा में भारतीय समुदाय के बीच असुरक्षा का माहौल उत्पन्न हुआ है।